दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कड़ी पत्ता के पौधे की, नीम का, मीठी नीम का पौधा जो कि अभी तक डोरमेंसी में था, यानी कि पौधे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी और पत्तियां पूरी सूख रही थी। ये देखिए सारी पत्तियाँ जो है इसकी सूख चुकी हैं और इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पौधा जो है सूख गया है। और दोस्तों ये मेरे पास में थैली में लगे हुए हैं, ये देखिए। और दोस्तों इनमें अब ग्रोथ शुरू होने लगी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आने लगी हैं और सभी ब्रांचेस में इसमें पत्तियाँ हल्की हल्की आने लगी हैं। कुछ दिनों में ये आपको अच्छे, इसकी ब्रांचेस जो है सभी पत्तियाँ से हरा हो जाएगा ये पौधा। ये देखिए तीन ब्रांच हैं इसमें और तीनों में ग्रोथ शुरू हो गई है, सभी में पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं। और इसको हमें घना बनाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। और ये दूसरा पौधा है, ये देखिए इसमें भी जो है ब्रांचेस में सभी में ग्रोथ शुरू हो गई है और ये भी जो है पौधा हरा हो जाएगा कुछ दिनों में। इन पौधों को घना बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये चलिए देखते हैं। और ये ग्रोथ का समय है इन पौधों का, और जितने भी अभी पौधे डोरमेंसी में थे वो सब अब ग्रोथ करेंगे। और इस फरवरी के महीने में आप इनके ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इनके रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको बड़े पॉट में लगा सकते हैं, या आपके पास में अगर पॉट में लगा हुआ है और उसी पॉट में आप लगाना चाहते हैं तो उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास में देखिए तीन ब्रांच हैं इसमें, अगर इसको ज़्यादा घना बनाना है तो इसे हम ऐसा प्रूनिंग कर देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे इसको। इसको काटने से बिल्कुल घबराएं ना आप, इसके काटने से और भी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी इसमें। ये देखिए अब इसमें जो है एक भी पत्ती नहीं रहेगी। पहले सबसे पहले तो ये जो ग्रो बैग है मेरे पास में, ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, ये थैली होती है ये, इसमें मैंने लगाया था। और इसको पहले सबसे पहले इसको काट लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। इसको हम पॉट में लगाएंगे, इसकी जो ऊपर की मिट्टियाँ हैं इसको, ये कचरा जो है इसको हटा देंगे पहले। इसका जो कचरा है, एक तुलसी का पौधा है इसमें उग गया है, इसको मैं कहीं लगा दूंगा, शिफ्ट कर देता हूँ। इसको मैं आराम से निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और ये देखिए इसमें जो है रूट्स ऐसी बाहर निकलने लगी है, ये देखिए बाहर निकलने लगी थी रूट्स इसकी, तो इसे हम रूट्स को प्रूनिंग कर देंगे और इसे रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने एक ये वाला जो है 15 लीटर की केन है इसको काट लिया है। और इसको काट करके, ये इसमें दूसरा पौधा लगा हुआ था, टमाटर लगा हुआ था इसमें, उसे निकाल करके मैंने इसके लिए यूज़ करूँगा। तो इसके बॉटम में छेद हैं, देखिए 5 छेद मैंने बना के रखे हैं और इसमें छेदों को कवर कर देंगे। सबसे पहले ऐसे ही जो ये गमले के टुकड़े हैं इनको, इस इनके गमलों के टुकड़ों से इसको कवर कर देंगे। बजरी ऐसे वाली जो मोटे मोटे कंकड़ रहते हैं इनको इसके आसपास लगा देंगे, ऐसे आसपास इसको डाल देंगे। इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाता है, पानी अच्छे ड्रेनेज होता है, पानी रुकता नहीं है, इसलिए इसको ऐसा मोटा मोटा हम डाल देंगे। इतने भी हमारे पास में जो दोस्तों, ये हमारे पास में गार्डन सॉइल है जो कि यूज़ की हुई है। पहले जो दूसरे इसमें पौधे लगे हुए थे इसको हमने सुखा लिया है, और सुखाने के बाद इसको इसमें जो है रेत हमने मिला लिया है। इसमें 20% रेत मिली हुई है और ये गार्डन जो है गार्डन सॉइल 50% है, और इसमें हम 20% और ये वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे। 20% वर्मी कंपोस्ट है, इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, और ये इसमें हम बोन मील मिला लेंगे, और ये बोन मील है इसे हम 2 चम्मच मिला लेंगे। बोन मील बहुत ही अच्छा होता है, इसमें हर पौधे में डालना चाहिए इसे। और इसका अच्छा से मिक्सर बना लेंगे, इस तरह से पूरी मिट्टी में मिला लेना इसको। और दोस्तों ये मिक्सर को अब हम इसमें डाल देंगे, डाल देंगे। इसे हमने आधा भर लिया है,
नीचे की थोड़ी मिट्टी कम कर दूंगा मैं। इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी कम कर दिया है। और दोस्तों ये देखिए, मैंने इसके जो है रूट्स को ट्रिम कर दिया है और इसकी मिट्टी भी आसपास से भी हटा लिया है, मिट्टी को काफ़ी कम कर दिया है मैंने। और अब इसे हम पॉट में शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से हमने इस पॉट में इसको बिठा दिया, ये देखिए। और अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे आसपास से, ये देखिए पूरा जो है अच्छे से बैठ गया है। इसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी पहले नीचे डाल दिया था, मैंने ज़्यादा मिट्टी हो गई थी तो मैंने थोड़ा कम कर लिया। और जो हमने मिक्सर बनाया था वो वाली मिट्टी हम डालेंगे, ये देखिए ऐसा करके ऐसे डालेंगे। आप चाहें तो उसी मिट्टी में मिक्सर बना सकते हैं, मैंने दूसरी मिट्टी लिया है, ये मिट्टी गीली थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिया और इसलिए मैंने दूसरी मिट्टी लिया। कल रात को बहुत बारिश हो गई और जो है गमला पूरा गीला हो गया। अच्छे से इसको नीचे तक इसकी मिट्टी को आसपास से दबा देना है ताकि इसमें कोई जो है एयर ना रहे। एयर रहेगी तो इसमें फंगस होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको अच्छे से दबा दें। और दोस्तों इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है और ये देख सकते हैं, और 2 इंच ही हमने खाली रखा है इसको, 2 से 2.5 इंच के करीब लगभग खाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा खाली नहीं रखना चाहिए। और इसमें हम अभी खाद वगैरह देंगे बाद बीच में, इसके लिए हम खाली रखते हैं थोड़ा सा। और पानी हमें ज़्यादा नहीं देना है, लिमिटेड देना है। अब हम इसमें पानी दे देंगे, पानी अच्छे से देना है ताकि पूरा नीचे तक पानी पहुँच जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है पानी, इतना देना कि पानी थोड़ा सा नीचे से निकले। और दोस्तों इस नीम के पौधे को हम 8 दिन के लिए छांव में रखेंगे, इसे हम धूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। दिन में 1 बार या 2 बार पानी का स्प्रे करते रहें पौधे पर, जिससे पौधे की ब्रांचेस सूखेंगी नहीं। 8 दिन के बाद इसे फुल सनलाइट में रखना है, ऐसी जगह रखें कि जिसे 6 से 8 घंटे की धूप इसे मिलती रहे। और जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब ही इसे पानी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अधिकतर इसमें कोई एफिड्स वगैरह नहीं लगते हैं और इसे हम खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें कोई जो है फंगीसाइड वगैरह इसमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।